नमस्कार, दिस इज नीरज तिवारी। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम प्रोजेक्ट कवर कर रहे हैं, दैट इज अ फार्म हाउस। पिछले बहुत टाइम से बहुत सारे लोगों की हमें क्वेरीज आ रही थी, वो एक फार्म हाउस अपने लिए ढूंढ रहे थे जो कि दिल्ली गुड़गांव से ज़्यादा डिस्टेंस में ना हो, सिक्योर्ड गेटेड हो। उन लोगों के लिए हम एक ऑप्शन आज कवर कर रहे हैं, दैट इज इन नोएडा, जो कि बजट फार्म हाउस है बट जिसका जो थीम है दैट इज नेचर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। साउथ दिल्ली से अराउंड 30 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पे है, गुड़गांव से अराउंड 1.5 आवर्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पे है ये लोकेशन। लोकेशन की जो बाहर की एक्सिस रोड है आज की डेट में पूरी स्मूथ है। इनफैक्ट फ्यूचर में यहाँ पे 4 लेन का एक्सप्रेस हाईवे बनने वाला है। जेवर एयरपोर्ट इज अराउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। सो द फार्म हाउस वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज अराउंड 250 एकड़ में पूरी कम्युनिटी डेवलप हो रही है, दैट इज गेटेड कम्युनिटी, जिसमें कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और नेचर का पूरा ख्याल रखा गया है। 5.25 एकड़ में इसका एक क्लब डेवलप हो रहा है, जिसमें कि आपके रिटायरिंग रूम्स फॉर योर गेस्ट और अराउंड 20 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी जिसमें कि, और अराउंड 1200 गज के आसपास का स्विमिंग पूल डेवलप हो रहा है। स्टेज इस प्रोजेक्ट की आज की डेट में ऐसी है, दैट इज रेडी टू मूव। अराउंड 150 फार्म यहाँ लोग बना चुके हैं, 8 से 9 फैमिली यहाँ परमानेंटली रहती हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन कि जो आप लैंड लो, अपना फार्म हाउस कंस्ट्रक्ट करो, आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल फार्म हाउसेज हेयर, जहाँ पे गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस और नॉर्म्स प्रॉपरली फॉलोड है। ये जो ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, ये एंड यूजर एज वेल इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। रीजन बींग, आजकल की लाइफ में पॉल्यूशन, स्ट्रेस, ट्रैफिक जैम्स, कंजेशन से कुछ टाइम निकाल के आदमी नेचर के बीच में रहना चाहता है। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर अ सेकेंड होम, और अगर आपकी वर्किंग आसपास है, यू कैन मेक इट अ परमानेंट होम एज वेल, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, दैट इज इन अ बजट। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ यू कैन गेट अ फार्म हाउस एट अ प्राइस ऑफ अपार्टमेंट हेयर, ये एक स्टेटमेंट है अपने आप में। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आप यहाँ पे कॉटेजेस क्रिएट करके उनको रेंट आउट कर सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छी रेंटल वैल्यू देते हैं। एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो आसपास की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, जेवर एयरपोर्ट की तरफ गवर्नमेंट का जितना भी फोकस है, आसपास के जितने भी डेवलपमेंट हो रही है, वो 100% एप्रिसिएशन करेगी इस पूरे फार्म हाउस की। ये पूरी गेटेड कम्युनिटी है विद 24/7 सिक्योरिटी विद CCTV कैमराज इंटैक्ट। 30 फीट की आपकी पूरे प्रोजेक्ट में इंटरनल रोड्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला 250 एकड़ में पूरा प्रोजेक्ट है, दैट इज टोटली गेटेड विद बाउंड्री वॉल्स। सो अगर आपकी परमिशन के बिना नोबडी कैन एंटर द प्रोजेक्ट। आज की डेट में नीरज मेट्रो स्टेशन यहाँ से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर सब ऑपरेशनल है आज की डेट में, यहाँ आपके डोर स्टेप तक चीजें आती हैं। आप नेचर के बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, या परमानेंटली आप यहाँ रहना चाहते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप यहाँ कर सकते हो। इनफैक्ट सो मेनी पीपल आर ऑलरेडी डूइंग इट हेयर। ठीक है, पॉल्यूशन लेवल की मैं बात करूँ, सबसे मिनिमम लेवल पे पॉल्यूशन लेवल है। हाईवे के उस तरफ सारी रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, जहाँ पे आज में 10 से 12 हज़ार फैमिलीज इनफैक्ट रह रही हैं। फ्यूचर में और भी प्रोजेक्शन पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें और फैमिलीज मूव ऑन करेंगी। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो 1000 स्क्वायर यार्ड से आप कर सकते हो। 40 फीटर्स की डेप्थ पे यहाँ पे आपको मीठा पानी मिलता है। पॉल्यूशन और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे सोलर पैनल लगे हैं, जिससे आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी रन कर सकते हो घर की। कंस्ट्रक्शन की मैं आपसे बात करूँ, 10% ऑफ द टोटल लैंड पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। आप यहाँ पे डुप्ले बना सकते हो विद इको फ्रेंडली मटेरियल। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट होती है वो 1000 गज से स्टार्ट होती है, और जिसपे 10% की आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ अ सैम्पल फार्म, जो कि अभी जिस फार्म पे हम बैठे हैं वो अराउंड 4000 स्क्वायर यार्ड में फार्म डेवलप है, आप देख सकते हो, जिसमें कि एक स्विमिंग पूल, प्रॉपर ग्रीन ओपन एरिया छोड़ रखा है छोटी मोटी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए। ये जो आप पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हो, अभी सिर्फ 5% पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें कि 4 बेडरूम बने हुए हैं। यू कैन इमेजिन कि अगर 10% कंस्ट्रक्शन पे आप डुप्ले करोगे, दैट विल बी बिगर साइज। आई मीन विल गिव यू अ टूर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जिसमें कि आपको इंटरनल रोड, फार्म हाउस में जो क्लब बन रहा है 5.5 एकड़ में जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, विल शो यू, जस्ट हैव अ लुक। एज यू कैन सी, ऑल द एंटायर रोड्स आर 30 फीट वाइड। लोगों ने फार्म हाउस यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं, कुछ लोगों के फार्म हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं अभी। माइंड यू, दिस इज द ओनली फार्म हाउस डेवलपमेंट इन नोएडा दैट इज हैविंग 30 फीट इंटरनल रोड्स। नाउ विल टेक यू टूवर्ड्स द क्लब एंड विल शो यू द डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग। लाइक आई सेड अर्लियर, within 6 months it will be operational. So this is a club I was talking about that is under construction. 5.5 acre में एक club है जो कि 6 months में बनके operational होगा, जिसमें कि 20 के अराउंड sports activities हैं, retiring rooms बन रहे हैं, इनके future में आपके कोई guest आते हैं, they can stay here.
सो दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट. टू सम अप द वीडियो, कुछ एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ दैट दिस इज द ओनली फार्म हाउस इन नोएडा दैट इज फ्री होल्ड. दिस इज द ओनली फार्म हाउस इन नोएडा जहाँ पे इंटरनल रोड 30 फीट की है. दिस इज द ओनली फार्म हाउस जहाँ पे 5.5 एकड़ का क्लब आपको मिलेगा. 100% गेटेड पूरी फार्म हाउस कम्युनिटी है. अगर आपको ये प्रोजेक्ट इंस्पायर करता है, आप इसमें बाय करना चाहते हैं, डू गेट इन टच विद अस एट द नंबर्स गिवन ऑन योर स्क्रीन. माइंड यू, वी आर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी. इन्वेस्टमेंट जो प्लॉट में यहाँ पे स्टार्ट होती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 65 लाख रुपीज. डू गिव अस अ चांस टू होस्ट यू फॉर अ लंच और समथिंग. थैंक यू सो मच एंड सी यू एट द साइट.